गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है वॉइस, अब तक हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को स्टडी कर चुके हैं कि उनके पैसिव को हमें कैसे चेंज करना है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस को कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है वो है प्लस वर्ब की थर्ड पर्सन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज या हैव प्लस थर्ड पर्सन, ठीक है, बी क्वाइट। और जब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पैसिव में चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाती है हैज या प्लस ही प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म को पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाती है हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड। जैसे कि टेंस पढ़ाते समय मैंने तुम्हें बताया था हैज हैव वर्ब का प्रयोग है वो यूज होता है ही सी इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ। कौन सी एंटीनोम आती है स्टूडेंट्स, हैव। और हैव का प्रयोग होता है वो होता है आई वी यू दे और एनी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का। एसी सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का। हमें पता लग गया हैज हैव का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, हैज का कहां यूज होता है, हैव का कहां यूज होता है, क्लियर। और हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म को जब पेशियों में चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाती है हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड। इस टेंस में एक चीज और है कि हमें एक्टिव में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया कि वर्ब की फॉर्म की गलती हमसे ना हो, समझ गए। तो हम स्ट्रक्चर वाइज इसको पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन हमारी हो चुकी है तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव एक्टिव एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था टेंस पढ़ते समय, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर। इसको जब पेशियों में चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन क्या जाएगा, सब्जेक्ट बन क्या जाएगा प्लस हैज या प्लस थर्ड फॉर्म किस में चेंज हो जाएंगे, हैज या प्लस बीन प्लस थर्ड हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड। प्लस क्या हो जाएगा बाई प्लस ये सब्जेक्ट चेंज होकर क्या हो जाएगा हो। ये आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस पैसिव का स्ट्रक्चर, क्लियर। एक सेंटेंस हम करते हैं देखें आई हैव डन ये वाक्य हमारा आ गया। इस वाक्य को गौर से देखिए ये वाक्य इसी स्ट्रक्चर पे है दैट इज सब्जेक्ट हैज हैव में से हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इट ऑब्जेक्ट। जब ये वाक्य स्ट्रक्चर पे है तो उस वाक्य की पेशी स्ट्रक्चर में जाएगी अर्थात ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इट का सब्जेक्ट इट ही होता है प्लस क्या है हैज है। इसी सिंगुलर के साथ अभी बताया मैंने क्या होता है हैज प्लस क्या है बीन प्लस थर्ड फॉर्म डन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इट हैज बीन डन बाय, क्लियर। क्लियर है प्रॉब्लम सही क्लियर। तो ये हमारा अफर्मेटिव का था। ऐसे नेगेटिव में हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे हमें करना है और उसको कैसे पेश करना है। नेगेटिव का हमारा होता है वो कैसा होता है प्लस हैज या हैव प्लस नो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नो। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया। एक बात ध्यान रखना
जब भी पेशी बनाएंगे एक्टिवेशन नोड की पोजीशन चेंज नहीं होती। नोड यहाँ है जैव के बाद पेशी में भी है, जैव के बाद ही नोट आएगा। और ये ध्यान रखिएगा नोट हमेशा सब जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे बीन हो चाहे बीम हो, उसे हमेशा पहले चलता है, उसके बाद नहीं लगता। एक चीज ये साइड कर लेगा सबसे फैक्ट कर ले कि जो हमारा नोट है चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे वो इंटरवेटिव नेगेटिव, ध्यान रखना है एक बात के लिए पुख्ता कर लें कि वहां नोट हमेशा जो सब हेल्पिंग वर्ब होती है चाहे बीन हो चाहे बीम, उस बीन और बीम से पहले ही नोट लगेगा, उसके बाद नोट नहीं आता। क्लियर? इसको पेशी में चेंज करेंगे स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट को हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ये सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव फॉर्म। क्लियर? चेंज कर लेते हैं, कोई भी एक वाक्य आप ले सकते हैं यहां पर, सी हैज नॉट बीटन हिम, मान के चलो ये वाक्य आ गया, सी हैज नॉट बीटन हिम। इस वाक्य को आप जब देख रहे हो तो ये वाक्य इसी स्ट्रक्चर पे है, तो इसकी पेशी भी स्ट्रक्चर पे जाएगी, अर्थात ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएगा। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही प्लस है क्या है, ही के साथ क्या आएगा, हैज प्लस नॉट प्लस बीन है तो बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म बीटन बाय और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीटन, ही हैज नॉट बीन बीटन बाय। क्लियर स्टूडेंट? यस सर।